Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. At the railway station in Bandra in Mumbai, there is a steady trickle of people all day. Word has spread that today might be the last day for a Shramik train to take migrant workers back home. No one knows for sure, but under the shade of a tree, they wait and wait. They're ready to wait for hours, even days, just like this. Counting on good Samaritans who come and distribute a few bottles of food and water. Among the crowd, we see an elderly woman sitting all by herself, holding on tightly to a single bag and a packet of biscuits. She sees us and breaks into tears. Within minutes, she is weeping. This is the story of Leelavati Kedarnath Dubey. 70 years old, abandoned, all alone, waiting for a train out of Mumbai to somehow get her to Delhi. लीलावती जी, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे अकेली बैठी हैं बांद्रा के रेलवे स्टेशन पे, आप रहती हैं दिल्ली में, आप मुंबई कैसे आई? वो लड़का बीमार था ना, उसने फ़ोन किया था तो मेरे को छोटे वाले लड़के ने भेज दिया मुंबई, बोले अब वहाँ जाके रहे और उसको देख। तो मैं देखने आई, अब सही हो गया है लड़का, तो अब ब्रेक डाउन हो गया तो मेरे को धक्के मार के निकाल दिया उसने। आपके लड़के ने आपको निकाल दिया? हाँ, और चार बार मारा भी मेरे को, क्या करूँ मैं, मार खाई, क्या करती हूँ। बोले कैसे भी जा, भीख मांगते हुए जा, कोई बात नहीं, मैं भीख मांगते हुए जाऊंगी, मैं पैदल आई, क्या करूं, एक पैसा नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं आ गई, मैंने कही सुखी रहो तुम लोग। नहीं, नहीं, आप मत रो, मत रो, प्लीज मत रो। आदमी नहीं है ना? आदमी की जरूरत नहीं है, बहुत लोग हैं आपके साथ, औरत को आदमी की जरूरत नहीं होती, बहुत लोग हैं आपके साथ, पता है ना आपको? पता है बेटा, लेकिन मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ, क्या करूँ। बताओ मुझे, लड़का, आपके लड़के ने आपको क्यों पीटा और क्यों धक्के मार के मार निकाल दिया? उनको पैसे दो तो सही है, पैसे नहीं दो तो बुरा है। आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, दिल्ली में भी लड़का रहता है, वो नहीं रखेगा, मैं कैसे भी गुजारा कर लूँगी अपना। तो आपको लगता है कि दिल्ली वाला लड़का भी आपको घर में नहीं लेगा? कोई भी नहीं लेता है, सब कहते पागल है, हो गई है। आपके पास कुछ पैसा है? नहीं है। तो आप खाने के लिए कैसे, क्या नहीं है? ये खाना मिला है ना, दिखाओ, ये खाना है, ये है, ये दाल चावल है, ये खाई हूँ। ये दाल चावल लेकर आप एक सफ़र पर निकली हो? This is all that Leelavati is carrying with her, and of course we are going to make sure that at least from our side she doesn't remain hungry here. But this is what people are going through. एक बिस्किट का पैकेट और थोड़ा दाल चावल, थोड़ा पानी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप अब क्या सोच रही हैं, क्योंकि ट्रेन का कुछ मालूम है कि कब निकलेगी? कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ रहूँगी, फिर क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी और क्या करूँ। मत रो, प्लीज मत रो। नहीं रहूँगी।
कैसे, किसने आपको बोला कि आप यहाँ स्टेशन पर आइए, किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, मैं पैदल आई पूछते पाछते सबको करते हुए यहाँ आगे बैठ गई अपना आराम से। क्या करूँ मैं, फिर प्यास लगी थी बहुत जोर की, तो वो गाड़ी थी उसने दाल चावल दिया, एक पानी की बोतल दिया, मैं पी पानी पेट भर के। क्या करूँ, पेट भर के पानी पी, थोड़ा सा दाल चावल खाई, बस हो गया। तो अब दिल्ली जाने का क्यों सोच रहे हो, अगर वहाँ भी लड़का आपकी मदद नहीं करेगा? कोई और बच्चे हैं आपके? और वह है दो लड़की, एक लड़का और है, तीन लड़के दो लड़की है। और कोई नहीं मदद करने के लिए तैयार? कोई नहीं है, सब कहते हैं बच्चे, सब कहते हैं पागल हो गई है तू। अब मैं क्या पागल हो गई हूँ, आदमी मर गया तो क्या हुआ, 87 साल के होके वो मरे। क्या करते थे? कुछ नहीं, लोहे का काम करते। बुढ़ापा आया, सब कुछ हुआ, क्या करूं? आदमी बहुत अच्छा था मेरा, क्या करने का। इट इज़ आवर जॉब एट मोमेंट्स लाइक दिस टू हैव द राइट वर्ड्स, बट आफ्टर मेनी डेकेड्स इन दिस प्रोफेशन आई डोंट रियली हैव द राइट वर्ड्स राइट नाउ। व्हाट शुड आई से दैट विल मेक लीलावती फील बेटर, थ्रोन आउट ऑफ अ हाउस बाय हर सन इन मुंबई हुज़ बीन बीटिंग हर। क्या पीके मारता है आपको लड़का? हाँ, पीके मारता है, ड्रिंक्स एंड बीट्स हर अप। एंड इफ यू टर्न अराउंड यू कैन सी हियर एट द स्टेशन देर आर मेनी पीपल हु आर वेटिंग, दे आर ऑल्सो लिसनिंग, they're listening to Leelavati's story, but there are others who are just on the ground with their bags, old women, children, men among them. There is a train behind at the station in Bandra, and many people are waiting for this train to take them home. But there are others like Leelavati who, even if the train moves, do not know what home is anymore. Dilli pahunch bhi jayein तो मुझे तो ये आपके लिए कंसर्न है, चिंता है कि वहाँ क्या करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, भीख मांग के तो खा लूँगी मैं, या मार खाने से तो अच्छा है। वहाँ दिल्ली भी गई तो वहाँ भी मार खाने से अच्छा है भीख मांग के खा लो, क्या करूँ। अब कमाने लायक तो हूँ नहीं मैं कि कहीं कमा सकूँ, 70 साल की हो गई हूँ, अब मेरे में ताकत नहीं है। कितने घंटे से यहाँ बैठी हैं आप? 2 घंटे हो गए। तो कितने घंटे और बैठेंगी, अगर आज ट्रेन नहीं गई तो क्या करेंगी? कोई नहीं है, सो जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर आर एल्डरली। Many of them are alone, others have been abandoned, and this is an example of that. And we are not going to let her be alone. We are going to find a way to get help to her, we are going to find a way to get food to her. But this is the story of the long wait, the individual stories that get completely lost in phrases like migrant workers, a broad umbrella term that doesn't bring home the individual tragedies of the elderly, the desolation, the loss, the heartbreak. हिम्मत रखिएगा प्लीज, हम आपके साथ हैं। हिम्मत रखना, आदमी की याद आती है, रोना आता है, क्या करो। थोड़ा रो लो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ रो लेंगे, है ना, रोने में कोई नुकसान नहीं। रो मत बेटा, मेरे वजह से रो गए, अच्छा थोड़ी।